हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर वन में क्या देखना है। चैप्टर नंबर वन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूनिट सेवन देखने जाना है, जिसमें क्या देखेंगे हम लोग, फंक्शन। देन व्हाट इज द फंक्शन, देन फंक्शन इज ए नेम ऑफ ए यूनिट यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन क्या है, वह एक नाम है किसका, एक ग्रुप के, क्या बोल रहा है, एक प्रोग्राम के, एक समूह के, एक इकाई का नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं। विच कैन वर्क एनी वेयर इन एनी प्रोग्राम बाय यूजिंग ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन। जो क्या कर सकता है जो वर्क एनी वेयर, जो कहीं भी काम कर सकता है इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में कहीं भी काम कर सकता है, बाय यूजिंग नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। देन सरल शब्दों में फंक्शन किसे बोलेंगे, प्रोग्राम इज द नेम ऑफ यूनिट एंड यूनिट ऑफ प्रोग्राम एंड यूनिट ऑफ ग्रुप एंड यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज फंक्शन एंड विच कैन वर्क एनी वेयर बाय यूजिंग। जिसका फंक्शन का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कहीं भी प्रोग्राम में इसका यूज कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन सरल शब्दों में यह बोलेंगे कि फंक्शन इज द नेम ऑफ यूनिट यूनिट ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज फंक्शन। एंड सिंबल ऑफ फंक्शन इज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं। एंड और क्या आ गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बुल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। देन बुल्ट इन फंक्शन किसे बोलते हैं, देन दोज फंक्शन विच इज प्रजेंट बाई डिफॉल्ट इन प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज बुल्ट इन फंक्शन। क्या बोल रहा है कि वह प्रोग्राम जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्राम, क्या होता है, प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट प्रयोग क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट में प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। जो क्या होता है, जो प्रोग्राम के कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बुल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। एंड मतलब पहले से उपस्थित होता है। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज प्री डिफाइंड फंक्शन, और यह क्या होता है, प्री डिफाइंड, जिसका प्री डिफाइंड करने का क्या अर्थ है कि जिसका वैल्यू प्रोग्राम में क्या होता है, पहले से मालूम होता है। जैसे इंट, इंट इक्वल टू क्या हो जाता है कि प्रोग्राम में पहले से मालूम है, इंट इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटीजर। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन, वह फंक्शन जो क्या होता है प्रोग्राम में पहले से जिसको पता हो, उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बुल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। जैसे मेन, पाव, पाव मतलब क्या हो गया, पावर, मेन इंट मेन्स क्या हो गया, फंक्शन, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का हो जाएगा फंक्शन। एंड और क्या हो गया हम लोग का, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे बोलते हैं, दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर इन प्रोग्राम इज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, से क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। देन यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे बोलते हैं, जो प्रोग्राम में यूजर मतलब हम लोग प्रयोगकर्ता के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, हैप्पी फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, वेलकम फंक्शन, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा फंक्शन, क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बट क्या देख लेते हैं हम लोग, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स हो जाएगा हम लोग का वाइड मेन फंक्शन, फिर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो आप लिखना चाहते हैं, वाइड फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फिर क्या, फिर आप ओपन कर, फिर स्टेटमेंट, फिर जिसमें फिर क्या जाएगा हम लोग का, इंट आएगा, फिर क्या आएगा, इंट आएगा, उसके बाद ओपन कर ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद क्या आएगा, गेट फंक्शन क्या होगा, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद क्या, गेट सी एच, उसके बाद फिर क्लोज कर ली ब्रेसेस, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंटेक्स ऑफ, सिंटेक्स ऑफ क्या जाएगा, ये हम लोग का जाएगा सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन। एंड बट क्या आ गया हम लोग जब देखने जा रहे हैं, अब हम लोग का क्या, आर्गूमेंट फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप। आर्गूमेंट फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन, और फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड आर्गूमेंट फंक्शन, ये तीनों क्या है, एक ही है। देन दोज फंक्शन विच कंटेन ओनली वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन एंड आर्गूमेंट फंक्शन। देन पैरामीटराइज फंक्शन क्या करता है, जो केवल वेरिएबल को, जैसे वेरिएबल क्या हो गया, इंट, इंटीजर, इंटीजर कीवर्ड वैल्यू, जैसे इंट ए, ए इक्वल टू क्या जाएगा,
एक और टू दिया है फोर, देन फोर क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, और एक और ये क्या हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा। देन वेरिएबल को कंटेन करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट फंक्शन बोलते हैं। एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन, आर्गूमेंट फंक्शन या तो पैरामीटर फंक्शन। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन, इसमें हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग का है पहला फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, दूसरा क्या है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। देन इसमें हम लोग का पहला है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, देन फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कैसे बोलते हैं, देन दोज फंक्शन विच इज यूज टू रिसीव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। जो क्या बोल रहा है कि वैल्यू, वेरिएबल के वैल्यू को रिसीव करने के लिए जिस जिस फंक्शन का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। एंड दूसरा क्या है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, एक्चुअल पैरामीटर कहने का क्या अर्थ है कि दोज फंक्शन दैट विच इज कंटेन, दोज फंक्शन विच इज कंटेन ओनली वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन साइड द पैरेंथिसिस इज नॉन एज, इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर, इज नॉन एज, इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कैसे बोलते हैं, वह जो वह फंक्शन जो डेटा, वह फंक्शन विच इज कंटेन ओनली वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल को पैरेंथिसिस के बाहर क्या करता है कि जो क्या कर सकता है, विच इज कंटेन ओनली वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन साइड, जो क्या कर सकता है कि पैरेंथिसिस के अंदर ही केवल वैल्यू को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, क्या बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं दोज फंक्शन विच इज यूज टू सेंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कहने का क्या अर्थ है कि जो क्या कर सकता है फंक्शन के अंदर ही जिसका क्यों करता है वैल्यू को क्या कर सकता है, वैल्यू को कंटेन कर सकता है, जो अपने पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे पैरेंथेसिस हो जाएगा इंट, क्या हो जाएगा पैरेंथेसिस में जैसे हो जाएगा हम लोग का इंट, इंट फंक्शन मेन क्या हो जाएगा, मेन क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन एम ए आई एन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में दे दिए टू, तो क्या होगा ये पैरामीटर फंक्शन के अंदर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जो पैरामीटर फंक्शन के अनसाइड, इनसाइड मतलब उसके अंदर में जिसको कंटेन करता है उसे क्या बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। एंड दूसरा क्या जाएगा, ये क्या हो गया हम लोग का सिंटेक्स ऑफ आर्गुमेंट फंक्शन, देन क्या हो जाएगा वाइड फंक्शन, फिर क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, फिर क्या हो जाएगा ओपन इंट मेन फंक्शन गेट सी एच, उसके बाद क्या हो जाएगा क्लोज कर्ली ब्रेसेस, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का हो गया सिंटेक्स किसका एक्चुअल पैरामीटर कि दो नंबरों को लीजिए, क्या बोल रहा है कि दो नंबरों को लीजिए और क्या कीजिए और सम ज्ञात कीजिए, जोड़ ज्ञात कीजिए किसके मदद से, बाय यूजिंग पैरामीटर फंक्शन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोडिंग सी एप्स को खोलेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग कोडिंग सी एप्स को खोलेंगे। कोडिंग सी एप्स को खोलने के बाद में क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस प्रकार का आएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और क्या करेंगे प्रोग्राम को फिर से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को क्या, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले, सबसे लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग का हेडर फाइल क्या होता है, हम लोग का हेडर फाइल होता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्या होता है include hash include studio.h किसके अंदर अंदर होना चाहिए, टैग के अंदर होना चाहिए, क्या चाहिए टैग के अंदर होना चाहिए। उसके बाद क्या था दूसरा हेडर फाइल हम लोग का, दूसरा हेडर फाइल हम लोग देते हैं hash include उसके बाद has include conio dot h, क्या चाहिए conio dot h, उसके बाद क्या देते हैं हम लोग conio dot h, और जो टैग रहेगा वो क्या रहेगा इसके टच में रहेगा, क्या रहेगा स्पेस नहीं रहेगा, नहीं तो क्या बताएगा एरर बताएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इंट का प्रयोग करेंगे, क्या इंटीजर का प्रयोग करेंगे, और इंटीजर में क्या करेंगे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, क्या करेंगे हम लोग एक अपने से क्या करते हैं अपने से कुछ भी नाम ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे राम सीता गीता या तो हैप्पी गुड बैड, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम लोग वेरिएबल में क्या लेते हैं, वेरिएबल में हम लोग हैप्पी ले लेते हैं, क्या लेते हैं
हैप्पी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हैप्पी लेने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, हैप्पी लेने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, पैरेंथेसिस लेंगे। क्या लेंगे? पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के अंदर क्या, पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर लेंगे। क्या क्या लेंगे? वेरिएबल लेंगे। किसका? वैल्यू। क्या लेंगे? वेरिएबल लेंगे। किसका? वैल्यू लेंगे। किसका? वेरिएबल का। तो हम लोग क्या ले लेते हैं? इंट। इंट क्या हो गया हम लोग का? वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का वैल्यू ले लेते हैं इंट ए। क्या? इंट ए। फिर हम लोग क्या देते हैं उसके बाद, क्या देंगे हम लोग? कॉमा। फिर क्या देंगे? फिर हम लोग क्या देते हैं? इंट इंट बी। क्या देंगे? इंट बी। इंट बी। इंट ए इंट बी। तो क्या हो गया हम लोग का? हम लोग का हो गया वेरिएबल। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग ओपन कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग किया। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देते हैं, हम लोग उसके बाद प्रिंट एफ का प्रयोग करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। क्या चीज़? डिस्प्ले करने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग? प्रिंट क्या दे रही है हम लोग? प्रिंट एफ, जिसमें हम लोग क्या देंगे? द वैल्यू। क्या देंगे? द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या? वैल्यू ऑफ एन ए। क्या? द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू। उसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग परसेंट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग, उसके बाद हम लोग, उसके बाद हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या देंगे हम लोग? ऑफ क्या होगा? ए ए एंड बी, ए एंड बी। उसके बाद क्या देंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग देंगे परसेंट डी। क्या प्रयोग करेंगे? परसेंट डी का प्रयोग करेंगे। परसेंट डी। उसके बाद क्या देंगे? उसके बाद टैग के बाद हम लोग क्या देंगे? कॉमा। कॉमा के बाद में क्या देंगे हम लोग? ए ए प्लस प्लस बी, ए प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्लोज कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या हम लोग प्रयोग करेंगे? उसके बाद हम लोग इंटीजर का प्रयोग करेंगे। इंट, इंटीजर कीवर्ड, मेन इज ए फंक्शन। फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। फिर क्या? फिर हम लोग क्या चीज करेंगे? फिर हम लोग ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग करेंगे। ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जिसके बीच में हम लोग क्या देंगे? जिसके बीच में हम लोग स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट में क्या देंगे? क्या देंगे? वैल्यू देंगे। क्या देंगे? वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे। तो वेरिएबल हम लोग का क्या था? हैप्पी। हैप्पी हम लोग का क्या है? वेरिएबल। तो क्या दिए? हैप्पी। हैप्पी दिए। उसके बाद क्या चाहिए? पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया? उसका वैल्यू दिए। वैल्यू हम लोग कितना दे दिए? हम लोग दे दिए 50, 50, 50, 30। ये क्या दे दिए हम लोग? वेरिएबल दे दिए। क्या? वैल्यू दे दिए। किसका? वेरिएबल का। उसके बाद क्या दे दिए? उसके बाद हम लोग दे दिए, उसके बाद हम लोग गेट सी एच। क्या क्या? गेट सी एच का प्रयोग करते हैं। गेट सी एच, गेट सी एच देने के बाद में क्या? पैरेंथेसिस, फिर सेमी कॉलन और फिर क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो क्या हो गया हम लोग का? प्रोग्राम रन हो गया। क्या हो गया? प्रोग्राम तैयार हो गया, जिसमें हम लोग क्या, जो इंट हैप्पी दिखा लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है? इंट ए इंट बी लिखा हुआ है। ये क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। और जो क्या है, जो वैल्यू क्या लिखा है, जिसमें पैरेंथिसिस के अंदर वैल्यू लिखा है, वो क्या हो गया हम लोग का? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। तो ये क्या हो गया हम लोग का? प्रोग्राम तैयार हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है? द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कितना हो गया? कितना बता रहा है? 80। क्या? 80। कितना बता रहा है? 80 बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। इसमें क्या हो रहा है? अगर हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या हो गया? तो अगर हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं, 50 प्लस 50 दे देते हैं। वेरिएबल में क्या देते हैं? 50। तो क्या बोल रहा है? तो प्रोग्राम में क्या बोल रहा था कि
दो नंबरों का सम ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने दो नंबर लिए 50-50 और हम लोगों ने इसका सम ज्ञात किया, तो इसका सम कितना आ रहा है हम लोग का, 50-50 का सम लिया तो 100 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोग का प्रोग्राम सही रन कर गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया पैरामीटर फंक्शन। नंबर हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का आ गया कॉलिंग फंक्शन। देन दोज फंक्शन विच ही कंटेन टू टाइप्स फंक्शन, जिसमें हम लोग का क्या है, जिसमें कॉलिंग फंक्शन में क्या है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉलिंग फंक्शन क्या करता है, दो टाइप्स के कॉलिंग फंक्शन को क्या करता है, कंटेन करता है। जिसमें हम लोग का पहला क्या है, कॉल बाय वैल्यू। देन कॉल बाय वैल्यू का क्या बोल रहा है, कॉल बाय वैल्यू किसे बोलते हैं, दोज मेथड विच यूज टू कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल एंड कॉपी, ओरिजिनल एंड कॉपी, देन सेंड 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 देन सेंड इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। इसका करने का क्या अर्थ है, वह विधि जो क्या करता हो, जो कॉलिंग करता हो फंक्शन को, क्या करता हो, कॉलिंग करता हो किसके साथ, वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू, जो क्या करता हो ओरिजिनल वैल्यू को क्या करता हो, जो ओरिजिनल वैल्यू के साथ काम करता हो, और एंड कॉपी, और कॉपी करता हो उसके बाद क्या करता हो, उसको सेंड करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। जैसे जैसे क्या दिया है, एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक प्लस एक क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गया, वन वन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, टू। देन क्या करता हो, या वैल्यू को कितना, टू को सेंड करता, तो क्या हो जाएगा, उसको कॉपी करके क्या करता है, इसको सेंड करता है, उसका क्या हो जाएगा हम लोग का कॉल बाय वैल्यू। एंड दूसरा क्या है, उसके बाद दूसरा हम लोग का कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। देन कॉल बाय रेफरेंस किसे बोलते हैं, दोज मेथड इन विच कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोल रहा है कि वॉप मेथड जिसका प्रयोग, जो क्या करता है, कॉलिंग फंक्शन प्रयोग करता है विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज देन सेंड इज नोन एज कॉलिंग वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय एड्रेस ऑपरेटर, या एड्रेस ऑपरेटर से दर्शाया जाता है। क्या बोल रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस किसे बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं जो क्या करता हो, वह विधि जिसका प्रयोग क्या करता हो, फंक्शन का जो वह फंक्शन, वह मेथड इन विच जिसमें फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू, जो क्या करता है, अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ काम करता हो, क्या करता है, अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ काम करता हो, उसके बाद क्या करता है, वो वैल्यू को चेंज करके भेजता हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। जैसे वन प्लस वन क्या हो गया, टू, और उसने क्या भेजा, थ्री। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉल बाय रेफरेंस। एंड उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, ग्लोबल वैल्यू का, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल। देन ग्लोबल वेरिएबल किसे बोलते हैं, दोज वेरिएबल विच इज क्रिएट आउटसाइड और फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल फंक्शन, जो क्या कर सकता है, जो जिसके अंदर फंक्शन के बाहर काम करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ग्लोबल फंक्शन कहते हैं। एंड ग्लोबल वेरिएबल वर्क इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है कि बाहर और अंदर दोनों साइड काम कर सकता है। एंड इट कैन वर्क बाय द हेल्प ऑफ स्कोप रेगुलेशन ऑपरेटर, या स्कोप रेगुलेशन ऑपरेटर के मदद से काम करता है। दोज वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल, क्या हो रहा है कि वह वेरिएबल जिसका, जो क्या होता है, क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जिसका, कि जिसका क्या कहता है, क्रिएट इनसाइड, जो फंक्शन के अंदर जिसका क्रिएट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। एंड द वेरिएबल विद इन फंक्शन, और जो फंक्शन के भीतर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल हैं, क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। इट कैन वर्क विदाउट एनी ऑपरेटर, या क्या जाएगा, ऑपरेटर, या बिना ऑपरेटर के काम कर सकता है, कौन, ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का, हेडर फाइल। देन हेडर फाइल कैसे बोलते हैं, हेडर फाइल ऑफ सी प्लस प्लस। देन दोज प्रोग्राम विच इज ऑलवेज रिटेन इन टॉप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ऑन द प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में टॉप में लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय डॉट एच, इसको डॉट एच से दर्शाते हैं। एंड हेडर फाइल रिटेन इन टू टाइप्स, हेडर फाइल को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हैश इंक्लूड, ये क्या हो गया, ओपन टेक क्लोज टेक स्टूडियो डॉट एच एन, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग को डबल सेमी कॉलन, क्या डबल कॉलन के साथ क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, डबल कॉमा के साथ में भी क्या कर सकते हैं, हैश इंक्लूड डबल कॉमा स्टूडियो डॉट एच में लिख सकते हैं। एंड ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया कुछ फंक्शन, ये क्या हो गया हम लोग का, आई स्ट्रीम हेडर फाइल, ये क्या हो गया कॉनियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच एंड मैथ डॉट एच, ये क्या हो गया सभी हम लोग का हेडर फाइल, और उसका क्या हो गया फंक्शन, जिसमें फंक्शन क्या हम लोग का, जिसमें हम लोग का है, पहला में हम लोग का है सीन कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट,
सी आउट कंट्रोल आउटपुट एंड क्या हो गया गेट्स गेट लाइन पुट पुट लाइन ये क्या हो गया और ये हो गया हम लोग का स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर फंक्शन। उसके बाद कॉन्यू डॉट एच फंक्शन के अंदर क्या था सी एल आर गेट सी एच गेट ऑक्सी एंड गेट एच क्या हो जाएगा गेट एच ये क्या हो जाएगा कॉन्यू डॉट एच के अंदर फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या स्टूडियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं गेट्स पुट्स गेट सी प्रिंट एंड स्कैन ये सब क्या हो जाता है स्टूडियो डॉट एच के अंदर हो जाता है। एंड मैथ डॉट के एंड मैथ डॉट एच के अंदर क्या आता है पाओ साइन कॉस टेन एस जी आर टी एंड मोड ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा मैथ डॉट एच के अंदर का पाओ फंक्शन साइन फंक्शन कॉस फंक्शन टेन फंक्शन ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा मैथ के अंदर में कौन कौन आएगा पाओ साइन कॉस टेन एस जी आर एम मोड ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा मैथ डॉट एच के अंदर। एंड साइन स्ट्रीम में हो जाएगा हम लोग का सीन सी आउट गेट्स गेट लाइन पुट पुट लाइन एंड को कॉन्यू डॉट एच में क्या हो जाएगा सी एल आर गेट सी एच गोट एक्स सी एन गेट सी एच एंड स्टूडियो डॉट में गेट्स पुट्स गेट लाइन गेट सी पुट सी एन प्रिंट एफ एंड स्कैन है तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का हो गया हेडर फाइल क्या हो गया हम लोग का ये हम लोग का हो गया हेडर फाइल। देन ये क्या हो गया हम लोग का देन हम लोग का ये हो गया हम लोग का हो गया ये हम लोग का हो गया फंक्शन।